नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कंक्रीट से जुड़ी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अब दोस्तों, चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे आप अपने खुद का घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ये जानकारी होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वीडियो में दोस्तों, हम ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में बात करेंगे, कॉन्क्रीट से जुड़े कुछ बेसिक्स जानेंगे और साथ ही साथ में उनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम कि कॉन्क्रीट होता क्या है। ठीक है, इमेज में देख के आप सभी को पता लग गया होगा कॉन्क्रीट क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमारा कॉन्क्रीट जो होता है वो हमारा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, इसका मिक्सचर होता है। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो कॉन्क्रीट जो होता है इन चारों इन्ग्रीडियंट्स का मिक्सचर होता है। आगे बात करते हैं कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट में जब भी बात आती है, ठीक है, तो आपसे जैसे आप कभी भी किसी इंजीनियर के मुंह से या कहीं पे आपने सुना होगा कि भैया छत की ढलाई कर रहे हो तो M20 ग्रेड की कॉन्क्रीट यूज़ करना। ठीक है, अब सुन के कन्फ्यूजन आ जाता है हमको कि M20 क्या है। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो जब भी आपसे मान लीजिए किसी ने M20 को छोड़ देते हैं, हम M5 की बात कर लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे आपने बोला कि M5 ग्रेड की कंक्रीट यूज़ करना है, तो इसमें M का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो M का मतलब होता है हमारा मिक्स। ठीक है, सिंपली M का मतलब होता है हमारा मिक्स। और 5 क्या होता है, तो 5 होती है दोस्तों इसकी, जो भी नंबर पीछे लिखा रहेगा वो होती है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी कितने दिन के बाद में, तो कंक्रीट की जो 28 डेज पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कास्टिंग करी, ढलाई करी और 28 दिन बाद जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी वो रहेगी यहाँ पे वो लिखा जाता है, मतलब उस ग्रेड की वो कंक्रीट हुई ऐसा। ठीक है, अब मान लीजिए कि 28 दिन के बाद 20 आ रही है तो M20 हो जाएगी हमारी ग्रेड। ठीक है, अब M5 का रेशो वैसे तो मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा, तो हम इसके बारे में जो चर्चा है वो आगे ही करते हैं। अब देखिए, अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सी जगह मैंने देखा है, मैंने एक तराई के ऊपर वीडियो बनाया था, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने पूछा था कि सर हमने कास्टिंग कर दी थी, ढलाई कर दी थी, उसके 3 दिन के बाद तराई शुरू की है तो ये ठीक है क्या? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है वो मैं आपको इस टेबल के साथ में समझाता हूँ। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि दोस्तों कंक्रीट जो होती है वो इनिशियल डे जो होते हैं, यानी कि ढलाई के बाद में जो शुरुआती दिन होते हैं, उसमें सबसे तेज़ी से और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ को वो गेन करती है। ठीक है, उसके शुरुआती दिनों में किस तरह से करती है, तो देखिए आपने कंक्रीट की मान लीजिए ढलाई की, ठीक है ना, मान लीजिए आपने ढलाई की कंक्रीट की 4 तारीख को। ठीक है, तो 4 के बाद में 5 तारीख तक, यानी कि एक दिन में वो 16% स्ट्रेंथ गेन कर चुकी होगी। ठीक है, एक दिन में 16%। उसके बाद दोस्तों 4 के बाद 5, 6 और 7 तारीख तक, यानी कि उसके 3 दिन बाद, सॉरी 4, 5, 6 तारीख तक, उसके 3 दिन बाद दोस्तों वो 40% स्ट्रेंथ गेन कर चुकी होगी। ठीक है, लगभग आधी स्ट्रेंथ वो गेन कर चुकी है 3 दिन में। अगर 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की अगर वो हमारी कंक्रीट है, M20 की कंक्रीट है, तो उसका 40% तो गेन कर चुकी है वो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 7 दिन में कंक्रीट करती है 65% स्ट्रेंथ गेन करती है, 14 दिन में 90%, 28 दिन में 99%। अब देखिए लास्ट के जो 14 दिन है यहाँ पे तो कितना जल्दी जल्दी, 16 से सीधा 40, यानी कि 24% बढ़ा यहाँ पे। ठीक है ना, कितने, 1 से 3, मतलब 2 दिन में, और यहाँ पे एंड में 14 दिन हो गए। ठीक है, 14 दिन से 28 दिन, मतलब 14 दिन हो गए लेकिन सिर्फ 9% बढ़ी। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि कंक्रीट जो होती है अपने शुरुआती दिनों में ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करती है, तो इसीलिए आपको, देखिए हम कहते हैं 7 दिन तक तराई करना चाहिए कंक्रीट की, तो आपने पहले दिन से शुरू करी 16%, 40%, 65%, उसके बाद में भी आप चाहें तो वैसे 10 दिन तक तराई कीजिए तो आपकी जो कंक्रीट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ गेन कर लेगी। अब दोस्तों बात करते हैं रेशो की, जो मैंने पीछे छोड़ दिया था कि आगे बात करेंगे, अब हम मिक्स प्रोपोर्शन की बात करते हैं कि कौन सी ग्रेड का रेशो क्या होता है। अब देखिए, अगर किसी ने आपसे बोला M5, तो मैंने बोला था उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 28 दिन पे, कितनी होती है, 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, M5 बोला। तो इसमें दोस्तों बात करें तो सीमेंट का जो रेशो होता है वो होता है 1,
सेंड का होता है 5 और एग्रीगेट का होता है 10, ठीक है। और अगर वाटर की क्वांटिटी की बात करें 50 kg सीमेंट पे, ठीक है ना, यानी कि अगर एक बैग सीमेंट का आप यूज़ कर रहे हैं तो 60 लीटर वाटर आपको लगेगा। हालांकि देखिए, अब जब हम जो नॉर्मली काम करते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, तो ठीक है, हम मिक्सर मशीन यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ मेंटेन नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे हम रेशो को देखते हुए, उसकी वर्केबिलिटी देखते हुए काम कर लेते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, M7.5 की अगर बात करी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देखिए बार बार नहीं बोलूँगा, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी सारी, मैं सीधा रेशो बताऊँगा। तो रेशो होता है दोस्तों उसका 1:4:8, M10 की बात करें तो रेशो होता है 1:3:6, M15 की बात करें तो रेशो होता है 1:2:4, M20 में रेशो होता है दोस्तों 1:1:3, और M25 में रेशो होता है दोस्तों 1:1:2। अब देखिए M30 से अगर ऊपर जा रहा है, या आप ये मान के चलिए M25 से ही अगर ऊपर जा रहा है, तो फिर मिक्स डिज़ाइन होता है उसके लिए। अब दोस्तों इनमें से आपको कौन सी यूज़ करना होती है, तो देखिए आप अगर नॉर्मली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, ठीक है, रेसिडेंशियल अगर आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, M20 यूज़ करते हैं। और RCC का जो भी काम होता है, ठीक है, उसमें M20 से नीचे की कंक्रीट जो है ये सब नहीं यूज़ होती है, ठीक है ना, ये सब नहीं यूज़ होती है। तो आपको M20 ग्रेड यूज़ करना है अगर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तब, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और उनके यूजेस के बारे में एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देखी। तो बाकी फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, और अपने जिस भी दोस्त को आपको इस टाइप के वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इसी तरह का अपडेट आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। हैव अ गुड डे।